हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका एक न्यू चैनल है वनडे एग्जाम टारगेट जीएस, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस की वीडियोज के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में आप लोग कितने मार्क्स गेन करते हैं, आप लोग अपने स्कोरिंग जरूर कीजिएगा। 50 में से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, इससे आपकी तैयारी का अंदाजा भी लग जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। फ्रेंड्स, आपको 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे, आप लोग विकल्प चूज करते रहिएगा तब तक, ठीक है? तो पहले का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, पहले का हमारा ऑप्शन सही होता है सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, बस हम आपको 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे सही ऑप्शन चूज करने का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, विकल्प हमारा सही होता है डी। भारत की संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन सही होता है डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन सही होता है सी, फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सही होता है बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। 7, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन सही होता है सी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सही होता है सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सही होता है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डी, वेनिगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? सी, 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? सी,
ऑप्शन होता है सही 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय डॉक्टर वी आर अंबेडकर। भारतीय क्वेश्चन नंबर 14। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 14। स्वराज पार्टी ने 1924 में। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो अस्थायी अध्यक्ष था इंदिरा का, हमारा ऑप्शन सही होता है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, बी आर अंबेडकर। 17। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? डी, जवाहरलाल नेहरू जी। अठारह पे आते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? ए 26 जनवरी 1950 को। 19, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, विकल्प आप सभी के सामने, आराम से पढ़ लीजिए, आपको 2 से लेकर 4 सेकंड का टाइम देंगे। 19 का हमारा ऑप्शन सही होता है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? डी ऑप्शन सही होता है 15। 21। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन सी सही होता है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। 22। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 23। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सही होता है डी। 23 का हमारा ऑप्शन सही होता है डी, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना। 25। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? डी 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। और उस संशोधन में क्या जोड़ा गया? इससे पहले की क्लास में हमने बताया है, एक दो दिन पहले की क्लास में। 28। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो 28 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, 42वें
संशोधन के द्वारा? 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28, 27, 28 सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान से पूरे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? सी समाजवाद। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? बी भारत, अपना भारत। 31 भारतीय संविधान कैसा है? डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 32 भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? सी भारत की जनता से। 34 भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? डी संविधान में। 35 टेस्ट कैसा लग रहा है? आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर इस तरीके से टेस्ट आप लोगों को सही लगेगा तो कोशिश करेंगे रोज इस तरीके से टेस्ट हो हर सब्जेक्ट का। 35 भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? डी थर्टी सिक्स निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 32 में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सी संविधान। 32 संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। 39 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? बी कनाडा। भारतीय संविधान 41 भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? बी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? बी कनाडा। 43 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? 43 सी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। फोर्टी फोर
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? 44 डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 45 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार बी ऑप्शन सही होता है, अमेरिका से। 46 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ऑप्शन सही होता है सी, ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? ए आयरलैंड व स्पेन। 48 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? 48 बी आयरलैंड से। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। 46 संविधान के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? 49 सी, अमेरिका के संविधान से। 50 भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? 50 ऑप्शन हमारा सही होता है, फ्रांस के संविधान से। फ्रेंड्स, ये रहे पूरे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे संबंधित, आपके ये संविधान से रिलेटेड। आप लोग का मैंने ये एक तरीके से रिवाइज कराया है, ठीक है। और आप सभी के लिए आज का सवाल, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हैं? दोनों चीज पूछ रहे हैं, मौलिक अधिकार और दूसरा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।